हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में निंजा फाइनेंस टोकन के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, मुझे कई सारे कमेंट्स आए हैं कि सर, निंजा फाइनेंस टोकन को कैसे बाई करना है, कैसे डिपॉजिट करना है और कैसे विड्रॉल लगाना है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको निंजा फाइनेंस टोकन बाई करके, डिपॉजिट करके और विड्रॉल करके कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपचंद, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया D4C में। चलते हैं हम निंजा फाइनेंस टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने पे यहाँ पे हम अपना निंजा फाइनेंस टोकन में जाएंगे और उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे। कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करने के बाद हम अपने ट्रस्ट वैलेट पे जाएंगे। ट्रस्ट वैलेट में जाने के बाद हम DApps में जाएंगे। DApps में जाने के बाद हम यहाँ पे BNB से निंजा फाइनेंस टोकन बाई करेंगे। यहाँ पे मैंने NFT टोकन सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अब हम निंजा फाइनेंस टोकन कितना हमें बाई करना है, कितनी BNB का बाई करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास 0.136 BNB पड़ी हुई है, इसको मैंने डाल दिया इसमें। अभी हम इसको स्वैप करेंगे, कंफर्म स्वैप करेंगे। थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट में क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारा ट्रांजैक्शन रिसिप्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, मतलब निंजा फाइनेंस टोकन हमने बाई कर लिया है। यहाँ पे हम वापस हमने वैलेट में आएंगे, देखेंगे। देखिए यहाँ पे निंजा फाइनेंस टोकन मेरे पास 21,32,392 टोकन मेरे पास हैं। यहाँ पे मैंने अभी जो बाई किए, मेरे निंजा फाइनेंस टोकन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हमें निंजा फाइनेंस टोकन में डिपॉजिट कैसे लगाना है, जो क्लाउड माइनिंग है निंजा फाइनेंस की। उसमें हम डिपॉजिट कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने ट्रस्ट वैलेट के DApps में। यहाँ पे हम निंजा फाइनेंस टाइप करेंगे, सर्च करेंगे। नेटवर्क को इथेरियम से स्मार्ट चेन में करेंगे। उसके बाद हम निंजा फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें देखिए राइट साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, क्लाउड माइनिंग में जाना है। क्लाउड माइनिंग के जाने के बाद हमें यहाँ पे ID पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं अपना ID डाल देता हूँ, अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको लॉगिन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी रेफरल ID भी पड़ी हुई है, आप मेरी रेफरल ID का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम निंजा फाइनेंस के क्लाउड माइनिंग के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पे हमें NFT वैलेट पे जाना है, रिक्वेस्ट NFT पे जाना है। यहाँ पे हमें अब कितने टोकन बाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 21 लाख टोकन। 21 लाख टोकन इंटर करने के बाद हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे। अप्रूव क्लिक करने के बाद अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। ये हमें हमारे ट्रस्ट वैलेट से कनेक्ट करेगा, जहाँ पे हमारे निंजा फाइनेंस टोकन पड़े हुए। उसके बाद हम डिपॉजिट NFT में करेंगे, अप्रूव में करेंगे और बाई अलर्ट, मतलब हमारे टोकन बाई हो गए हैं। अभी जहाँ पे हमारे ये ऐड फंड दिख रहा है, वहाँ पे 0 NFT आ रही है, इसको हम डिपॉजिट करेंगे। रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारे यहाँ पे 0 NFT है, इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। डैशबोर्ड में गए, दोबारा से रिफ्रेश किए। यहाँ पे आपने मेरे डिपॉजिट NFT में देखा 5 लाख टोकन पहले से ही पड़े हुए हैं। हमने दोबारा रिफ्रेश किया, नीचे आएंगे, हम देखेंगे हमारा अभी प्रोसेस पेंडिंग में है। जो हमने NFT बाई किया वो पेंडिंग दिखा रहा है। हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। हमने इसको दोबारा रिफ्रेश किया और देखिए आप यहाँ पे मेरे ऐड फंड में 21 लाख NFT टोकन दिखाई दे रहे हैं और स्टेटस में भी सक्सेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बाई पैकेज में जाएंगे, डिपॉजिट में जाएंगे और यहाँ पे हमारे जहाँ पे 0 NFT दिख रहा है, तो वहाँ पे 21 लाख NFT दिख रहे हैं। इंटर डिपॉजिट NFT में जाएंगे, 21 लाख टाइप करेंगे और डिपॉजिट कर देंगे। रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, मतलब हमने निंजा फाइनेंस टोकन को क्लाउड माइनिंग में लगा दिया है। अब हम अपना वैलेट चेक करेंगे क्लाउड माइनिंग का, जिसमें हमारे NFT आई हैं कि नहीं आई हैं। वापस डैशबोर्ड में जाएंगे, बैक करेंगे। देखिए यहाँ पे डिपॉजिट NFT जहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास 5 लाख टोकन थे, अब यहाँ पे मेरे 26 लाख टोकन शो हो रहे हैं, मतलब हमने 26 लाख टोकन क्लाउड माइनिंग में लगा दिया है।
तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस था हम निंजा फाइनेंस टोकन को क्लाउड माइनिंग में कैसे डिपॉजिट करते हैं। अब हम देखेंगे निंजा फाइनेंस टोकन जो हमने क्लाउड माइनिंग में डिपॉजिट कर रखे हैं उसका जो हमें 3% का विड्रॉल मिलता है, डेली विड्रॉल मिलता है 38 डेज तक, उसको हम कैसे विड्रॉल लगाते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जाएंगे अपने ट्रस्ट वैलेट पे। ट्रस्ट वैलेट पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे पास निंजा फाइनेंस टोकन अभी 32,992 टोकन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम निंजा फाइनेंस टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस, रिसीव एड्रेस कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे हम अपना डीएफ में। डीएफ में टाइप करेंगे निंजा फाइनेंस टोकन। निंजा फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए हमें इथेरियम से स्मार्ट चेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। निंजा फाइनेंस की वेबसाइट में जाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, क्लाउड माइनिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमें अपना आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। मेरा आईडी पासवर्ड ये मेरा रेफरल कोड भी है। आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमने जो डिपॉजिट किए थे 26 लाख एनएफटी टोकन यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी हमें माई वॉलेट में जाना है। यहाँ पे देखिए आप, मुझे 78,000 जो मेरे 26 लाख टोकन का 3% बनता है वो मुझे यहाँ पे टोकन मिले हुए हैं। अभी हमें इसको विड्रॉल में लगाना है। उसके लिए हम यहाँ पे इंटर विड्रॉल एनएफटी पे जाएंगे। यहाँ पे 78,000 इंटर करेंगे और इंटर एनएफटी एड्रेस जो हमने वहाँ से कॉपी किया था एड्रेस एनएफटी का, उसको पेस्ट करेंगे और विड्रॉल करेंगे। योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, हो गया। अभी यहाँ पे हमारे 78,000 टोकन दिख रहे थे वो भी ज़ीरो हो गए हैं। यहाँ पे अनकन्फर्म्ड अभी दिख रहा है, स्टेटस में अभी अनकन्फर्म दिख रहा है। माई वॉलेट में जाएंगे, दोबारा रिफ्रेश करेंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टेटस में कन्फर्म्ड हो गया है। अब यहाँ से हम अपना वापस वॉलेट में जाएंगे, देखेंगे कि हमारे वॉलेट में निंजा फाइनेंस टोकन आए हैं कि नहीं आए हैं ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 78 टोकन विड्रॉल हो चुके हैं। सो गाइज, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।